प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का मैं वीरंदर शर्मा स्वागत करता हूं अपने दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आयु का आज फाइनल पार्ट आपके सामने आ चुका है आज की क्लास के अंदर हम बचे सारे टाइपों को कवर करेंगे अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए सारी क्लास को अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिए और लगातार क्लास देखने के लिए दिशा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आइए शुरुआत करते हैं आज क्लास नंबर चार को क्लास नंबर चार का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ए और बी की वर्तमान आयु का रेशो आपके सामने दिया हुआ है चार अनुपात पाँच ए और सी की वर्तमान आयु का रेशो आठ अनुपात नौ ए और सी के बीच की आयु का अंतर पाँच साल है तो ए बी सी की ग्यारह साल बाद आयु बताइए सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों रेशो वर्तमान है जब ये दोनों रेशो वर्तमान है तो इन दोनों रेशो को मतलब सेम टाइम के रेशो है जब ये दोनों रेशो सेम टाइम के है तो जो भी नाम दोनों के अंदर होगा उसको सबसे पहले आप बराबर करेंगे तो बराबर कैसे करेंगे ए और बी की आयु का रेशो दिया है चार अनुपात पाँच उसके बाद ए और सी के आयु का रेशो दिया है आठ अनुपात नौ अब हमें यह देखना है कि इन दोनों रेशों में कौन सा नाम कॉमन है इन दोनों रेशो में आपने देखा ए नाम कॉमन आ रहा है जब ए नाम दोनों में कॉमन है तो ए का मान दोनों तरफ बराबर होना चाहिए तो सबसे पहले आप ए को बराबर करेंगे ए को बराबर करेंगे तो इधर दो से गुना कर लीजिए आप ए आपने बराबर कर लिया तो इसका मतलब ए बी सी का रेशो आप बना लेंगे ए का मान आ जाएगा आठ बी का मान आ जाएगा दस और सी का मान आ जाएगा नौ तो ए बी सी का रेशो आपने बना लिया क्योंकि जब भी रेशो आपको अलग अलग दिए जाएं तो उन रेशो को आपको मिलाना पड़ेगा हमेशा कॉमन जो भी नाम होगा वो तो बराबर आपको करना पड़ेगा चलिए बराबर हो गया उसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए और सी के बीच में अंतर पांच साल है अब हमें क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कराना है जब ए और सी के बीच में अंतर पांच वर्ष है और हमारा अंतर एक है तो इस क्वेश्चन में एक की वैल्यू पांच है आठ पंजे चालीस ये हो गया पचास और ये हो गया पैतालीस Osionfish. इस सवाल में ए का मान चालीस है बी का मान पचास और सी का मान आ चुका है पैतालीस तीनों व्यक्ति की आयु निकल चुकी है फिर बोला जा रहा है कि तीनों का 11 साल बाद वाला योग बताओ तीनों का जब ग्यारह साल बाद वाला योग पूछा जाएगा तो ये 11 साल बाद ये आदमी ग्यारह साल बाद हो जाएगा इक्यावन साल का अगर एक की आयु चालीस साल है तो ये इक्यावन हो जाएगा बी हो जाएगा ग्यारह साल बाद इकसठ और ये हो जाएगा ग्यारह साल बाद छप्पन तीनों को जोड़ेंगे आप छह पांच ग्यारह पांच सोलह एक सौ अड़सठ तो तीनों व्यक्ति की आयु का योग आएगा 168 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड। चार साल पहले ए और बी के आयु का रेशियो पांच और पांच चार है एक्स वर्ष बाद ए और बी के आयु का औसत दिया है एक्स प्लस बाईस तो दो साल पहले ए की आयु बताइए अब ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है और आज की क्लास के अंदर आपके जो टाइप बचे हैं वो लैंग्वेज वाले बच रहे हैं तो लैंग्वेज वाला टाइप और सीखना है आपको अगर कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन में फंसाता है तो एक बार एक से जरूर देख लीजिए देखिए साल पहले ए और बी की बात हो रही है चार साल पहले ए और बी की बात हो रही है अनुपात हटाएंगे एक्स लगाओ पर क्वेश्चन में एक्स बाद में आ रहा है तो आप के लगा लें ए की आयु पांच के बी के आयु चार के अगर वर्तमान आयु निकालेंगे दोनों की तो दोनों व्यक्ति चार वर्ष ये बढ़ चुका है और चार वर्ष ये बढ़ चुका है भाई चार साल पहली आयु का रेशो दिया है तो रेशो जब हटाएंगे तो आप के लगा लें ठीक है चार साल पहले वाला रेशो था जब आप वर्तमान रिश्वत पाएंगे तो दोनों व्यक्ति चार चार साल बढ़ चुके हैं फिर सवाल में एक बोला जा रहा है एक्स वर्ष बाद एक्स वर्ष बाद का अर्थ हुआ एक्स साल ये बढ़ेगा और ये भी एक्स वर्ष बढ़ जाएगा चार के प्लस चार प्लस एक्स दोनों व्यक्ति x वर्ष ये बढ़ चुका है x वर्ष ये बढ़ चुका है फिर लिखा हुआ है दोनों व्यक्ति का एवरेज एवरेज का अर्थ होता है दोनों संख्याओं को प्लस करके आप दो से डिवाइड कराएंगे इन दोनों को प्लस करें आप प्लस करें 9k 8 2x औसत होता है दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे 9k 8 2x 2 बराबर है औसत औसत आ रहा है x 22 क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9k 8 2x बराबर हो जाएगा दो एक्स प्लस बाईस चवालीस ये आपके नंबर कट गए इधर आके माइनस कर दो नौ के बराबर छत्तीस इस सवाल में के की वैल्यू आ चुकी है चार जब के की वैल्यू चार आ चुकी है और सवाल में बोला जा रहा है दो साल पहले एक आयु बताओ चलिए पहले एक ही वर्तमान आयु निकाल लेते हैं अगर के का मान चार है तो वर्तमान इसमें पुट कर दो पांचों बीस और चार चौबीस का मान चार पुट करेंगे तो चौबीस हो जाएगा इस सवाल में एक ही आयु चौबीस साल है तो दो साल पहले जब दो साल पीछे की बात करेगा तो आंसर आएगा बाईस साल अगर आज मेरी आयु चौबीस साल है तो मैं दो साल पहले था बाईस साल का नोट करें क्वेश्चन नंबर तीन राम की वर्तमान आयु आठ साल पहले श्याम के आयु के बराबर है देखिए मेरी जो आज आयु है वो श्याम की आयु आठ साल पहले थी सही है जितनी आयु मेरी आज है श्याम आठ साल पहले था इस लाइन का अर्थ सिर्फ ये होता है कि दोनों व्यक्ति में जो गैप आ रहा है दोनों व्यक्ति का गैप है आठ वर्ष का ये याद रखना फिर लिखा हुआ है छह साल बाद श्याम और राम का रेशो साल बाद श्याम और राम का रेशो श्याम और राम का रेशो आ रहा है छह पांच ठीक है रेशो दिया हुआ है या तो आप के लगा लें या आप कर सकते हैं दोनों व्यक्ति में आठ साल का गैप है एक बार अंतर अगर कभी भी आपको मिल जाए तो अंतर सदैव बराबर होता है आज जो अंतर होगा वही हमेशा अंतर होगा अगर आपके पिता आपसे दस साल बड़े हैं या बीस साल बड़े हैं तो हमेशा बीस साल बड़े रहेंगे तो दोनों व्यक्ति में आठ साल का गैप है और यहाँ पे अंतर एक आ रहा है तो इस सवाल में एक की वैल्यू आठ आएगा तो आठ छिंग अड़तालीस और आठ पंजे चालीस तो श्याम की आयु आ रही है अड़तालीस और राम की आयु आ रही है चालीस परंतु ये आयु कब की है ये आयु आ रही है छह साल बाद की जब छह साल बाद इसकी आयु अड़तालीस है तो इसकी वर्तमान आयु आएगी बयालीस और इसकी आ जाएगी चौतीस बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि राम की वर्तमान आयु बताइए तो फाइनल आंसर आपको देना है चौतीस अंतर वाले क्वेश्चन का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होता है कि अगर एक बार अंतर आपको मिल जाए तो <coughs> सॉरी दो व्यक्ति के आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है नोट करें क्वेश्चन नंबर आइए चार पे पांच साल पहले एक व्यक्ति की आयु उसकी पुत्री की आयु के चार गुने से तीन साल अधिक है तीन साल अधिक है अच्छा ये लाइन इसमें एक्स्ट्रा रही है छोड़ देना तीन वर्ष बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तीन गुने से छह साल कम होगी कितने वर्ष बाद इनकी आयु का योग अस्सी साल हो जाएगा यानी दोनों व्यक्ति की आयु पहले निकालें फिर पूछा जा रहा है कितने साल बाद इनका योग अस्सी साल हो जाएगा देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है और लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को दो तरीके से किया जा सकता है या तो आप ऑप्शन ट्राई कर लीजिए या आप एक्स मान लीजिए और बढ़िया तरीका इसका एक्स है वो भी सीख लीजिए एक, एक पिता है पिता मान लेते हैं फादर और सन है अब ये बोला जा रहा है पांच वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के चार गुने से तीन साल अधिक है अगर इसकी आयु चलो एक्स मान लेते हैं तो पिता की आयु इसके चार गुने से तीन साल अधिक है ये आपको लिखना है परंतु ये आयु थी पांच साल पहली दोबारा देखे पांच साल पहले क्या हो रहा था पिता बेटे की जो भी आयु है उसके चार गुने से तीन साल अधिक है अब आपको वर्तमान आयु चाहिए जब वर्तमान आयु चाहिए तो दोनों तरफ पांच पांच जोड़ दें इसमें भी पांच जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा और इसमें भी पांच जोड़ेंगे तो एक्स प्लस पांच हो जाएगा पांच इस साइड जोड़े पांच उस साइड जोड़े अब ये आयु आ चुकी है वर्तमान फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन में अब तीन साल आगे जाना है जब तीन साल आगे जाओगे तो तीन साल बाद इसकी आयु हो जाएगी आठ और तीन ग्यारह और इसकी आयु हो जाएगी एक्स प्लस आठ तीन साल बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के तीन गुने से छह साल कम है क्वेश्चन की कंडीशन है तो छह साल कम है कम के लिए आप माइनस लेंगे सॉल्यूशन कर लीजिए चार एक्स प्लस ग्यारह हो जाएगा तीन की गुना करेंगे अठारह आ जाएगा इधर आके माइनस कर लीजिए एक्स बराबर ये अठारह हो गया और अठारह और ग्यारह माइनस करें अठारह में से ग्यारह गए तो ये बचा एक्स बराबर सात जब एक्स बराबर सात है तो सात चौक अट्ठाईस और छः चौतीस हो गया और सात और पांच बारह वही एक्स बराबर सात आ चुका है सात पुट करें सात चौक अट्ठाईस अट्ठाईस में आठ जोड़ेंगे अच्छा अट्ठाईस में आठ जोड़ेंगे तो छत्तीस आएगा ये छत्तीस हो गया और ये हो गया सात और पांच बारह तो दोनों व्यक्ति के आयु का योग आ चुका है अब आपका अड़तालीस साल इसका मतलब दोनों व्यक्ति के आयु का योग अड़तालीस साल हो चुका है अब बोला जा रहा है कितने साल बाद इनका योग कितने साल बाद इनका योग अस्सी साल हो जाएगा तो भाई कितने साल बाद इनका योग अस्सी हो जाएगा तो आप ये देखें अड़तालीस से अगर आप अस्सी बनाना चाहते हैं तो बत्तीस साल लग जाएंगे तो इस सवाल का आंसर आप करेक्ट कर लें ये आएगा बत्तीस साल बाद ऑप्शन में नहीं है पर आप इसको करेक्ट कर लीजिए अगला सवाल देखें एक साल पहले व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का चार गुनी थी छह साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के डबल से नौ साल अधिक है उनकी वर्तमान आयु का रेशो बताओ सेम क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है जी और लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को आपको सीखना है क्योंकि एग्जामिनर आजकल जो लेटेस्ट तरीके चल रहे हैं उनमें लैंग्वेज वाले टाइप भी दिए जा सकते हैं इसको भी तैयार करके जाना है आपको एक साल पहले फादर और सन चार गुने थी अगर इसकी, आयु है, तो इसकी चार है। पर ये एक्स तो एक 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 है तो चार एक्स पर ये एक साल पहले थी तो एक एक दोनों तरफ जोड़ेंगे वर्तमान आयु आगे फिर लिखा हुआ है छह साल बाद छह साल बाद इसकी आयु हो जाएगी चार एक्स प्लस सात और ये हो जाएगा एक्स प्लस सात तो छह साल बाद अगर आपको व्यक्ति की आयु चाहिए तो पुत्र की आयु का डबल कर दो और उससे नौ साल अधिक है हल करेंगे चार एक्स प्लस सात बराबर दो एक्स सात दूनी चौदह चौदह में नौ जोड़ेंगे तो तेईस आ गया इधर आके माइनस कर दो दो एक्स बराबर सात माइनस करेंगे सोलह आ गया तो इस सवाल में एक्स बराबर आठ आ गया जब एक्स बराबर आठ है तो आठ चौक बत्तीस और एक तेतीस और आठ और एक नौ हमने पिता और बेटे दोनों की आयु निकाल ली बट आपसे दोनों व्यक्ति की आयु का रेशो निकलवा रहा है जब दोनों व्यक्ति की आयु का रेशो निकलवा रहा है तो 33 और नौ का रेशो निकाल दो आप तीन से तीन बार तीन से ग्यारह बार तो फाइनल आंसर आपको देना है ग्यारह अनुपात तीन ऑप्शन नंबर पड़ेगा हमारा बी नोट करें क्वेश्चन नंबर सिक्स दो व्यक्ति पी और क्यू की पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग आर की वर्तमान आयु से पच्चीस साल अधिक है देखें पी और क्यू की आयु का योग आर की आयु से पच्चीस साल अधिक है फिर बोला जा रहा है की अगर आपको आयु चाहिए तो आर से पांच अधिक है क्योंकि आयु चाहिए तो आर से पांच ज्यादा है क्यूँ की आयु चाहिए तो आर से पांच ज्यादा है ये आर इस साइड आके माइनस में हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर पच्चीस ठीक है और ये आर इधर आके माइनस हो जाएगा क्यू माइनस आर बराबर पांच तो समझ जाइए क्यू माइनस आर का मान आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है पांच तो इसको हटाइए और पांच यहाँ पे रख दीजिए पांच रखेंगे तो ये आ जाएगा पी प्लस पांच बराबर पच्चीस इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो इस क्वेश्चन में पी की वर्तमान आयु आएगी बीस साल पी और क्यू की आयु का योग आर से पच्चीस साल ज्यादा है इधर आके माइनस हो जाएगा फिर बोला जा रहा है क्यू की अगर आयु चाहिए तो आर से पांच ज्यादा है आर इस साइड आएंगे क्यू माइनस आर का मान रख दीजिए पांच फाइनल आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर पे। एक पिता अपने बेटे से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी पिता बेटे से कह रहा है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी अगर पिता की आयु छत्तीस साल है तो समझ जाइए बेटे की आयु अठारह साल होगी जब भी जन्म के समय आयु बराबर बोले पिता की आयु का आधा कर देना है सिर्फ आपको क्यों देखिए पिता और बेटा बेटे के आयु नहीं पता मैंने x मान ली और पिता की आयु 36 साल है सपोज बेटा 10 साल का होता सपोज तो बेटे के जन्म के समय पिता की आयु क्या बनती 26 साल भाई बेटा अगर 10 साल का है तो 10 साल पहले पिता बनते 26 साल के बनते या नहीं बनते तो बेटे के जन्म के समय अगर पिता की आयु चाहिए तो माइनस करना है इसी तरह जब बेटे के आयु नहीं पता तो बेटे के जन्म के समय पिता की आयु आएगी 36 x जितने साल का बेटा है उसको घटा दो बेटे के जन्म के समय पिता की आयु आ जाएगी फिर बोला जा रहा है वर्तमान आयु एक्स है और ये दोनों बराबर है तो छत्तीस बराबर हो जाएगा दो एक्स एक्स बराबर अठारह आपको ज्यादा सोचना नहीं है जो भी आयु आपको मिल जाए सिर्फ आधा कर देना है अगर छत्तीस है तो अठारह चालीस है तो बीस पचास है तो पच्चीस सौ है तो पचास पांच वर्ष पहले पुत्र की आयु बताओ अगर पुत्र अठारह साल का है तो पांच साल पहले बेटा आएगा तेरह साल का तो इस सवाल का फाइनल उत्तर आपको देना है ऑप्शन नंबर डी नोट करें क्वेश्चन नंबर आठ आज से पंद्रह साल बाद व्यक्ति की आयु अपनी पंद्रह साल पहली आयु का चार गुना थी पंद्रह साल बाद व्यक्ति की आयु देखिए व्यक्ति की आयु एक्स मान लो चलो पंद्रह साल बाद आयु व्यक्ति की पंद्रह साल पहली आयु पंद्रह साल बाद वाली आयु पंद्रह साल पहली आयु का चार गुने के बराबर है ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है पंद्रह साल बाद व्यक्ति की आयु बनाएंगे तो एक्स प्लस पंद्रह पंद्रह साल पहली आयु आएगी एक्स माइनस पंद्रह तो पंद्रह साल बाद व्यक्ति की आयु उसकी पंद्रह साल पहली आयु के चार गुने के बराबर है तो ये आ जाएगा x प्लस पंद्रह बराबर चार की मल्टीप्लाई करेंगे चार एक्स माइनस साठ इधर आके माइनस कर दें तीन एक्स और ये सिक्सटी इधर आके प्लस हो जाएगा सेवन तो x बराबर आ जाएगा पच्चीस फाइनल आंसर आपको पच्चीस देना है आप चेक कर सकते हैं अगर व्यक्ति पच्चीस साल का मानता हूं मैं तो पंद्रह साल बाद चालीस और पंद्रह साल पहले था दस साल का तो क्या इसका चार गुना है बिल्कुल चार गुना आ रहा है आप चाहिए ऑप्शन से चेक कर लीजिए या एक्स का यूज करके सवालों को कर सकते हैं नेक्स्ट। दस साल पहले सचिन की आयु अजय की आयु का डबल थी दस साल बाद सचिन तीस चालीस साल का है बोला जा रहा है अजय की वर्तमान आयु बताइए देखिए सचिन और अजय दस साल पहले अगर दस साल पहले डबल है इसकी आयु एक्स है तो इसकी दो एक्स है तो वर्तमान आयु चाहिए तो इसमें भी दस जुड़ेगा इसमें भी दस जुड़ेगा ये तो जुड़ेगा ना भाई दस साल पहले सचिन अजय डबल है परंतु यह डबल कब था दस साल पहले अगर वर्तमान आयु चाहिए तो दस इसकी प्लस करें दस इसकी प्लस करें कर दी प्लस ठीक है ये होगी वर्तमान फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दस साल बाद सचिन दस साल बाद सचिन सचिन की आयु दस साल बाद अगर आप बनाएंगे तो दस और जोड़ दो दस साल बाद अगर सचिन की आयु चाहिए तो इसमें दस और जोड़ दो, दो एक्स प्लस बीस बनेगी जो कि बराबर है आपका चालीस के इस सवाल के अंदर दो एक्स बराबर आ जाएगा बीस तो एक्स मान आ जाएगा दस जब एक्स मान दस आ गया दस पुट करें सचिन की आयु दस और दस आ जाएगा बीस भाई अजय की आयु पूछ रहा है अजय की वर्तमान आयु थी एक्स प्लस दस एक्स मान दस दस और दस बीस नोट करें क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम दस पे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेश्व दिया है इनके आयु का गुणनफल 756 है तो 6 साल बाद इनका रेशो क्या है फादर और सन का रेशो दिया है 7x और 3x हो जाएगा अनुपात हटाएंगे x लगाएंगे पिता की आयु 7x है बेटे की आयु 3x है पिता और बेटे की आयु का गुणनफल 756 है तो जब आप इन दोनों की गुना करेंगे तो ये बनेगा 21x2 756 अपॉन में ले जाइए x2 21 363 21 से 6 बार तो वर्ग हटाएंगे अंडर रूट आएगा इस सवाल में एक्स बराबर आ जाएगा छः जब एक्स बराबर छः आएगा तो सात छिंग बयालीस और छतिया अठारह बोला जा रहा है छः साल बाद इनका रेशो बताइए फादर और सन की आयु आ चुकी है जब पिता और उसके बेटे की आयु आ चुकी है तो छः साल बाद छः साल बाद इसकी आयु आएगी अड़तालीस और इसकी आयु आएगी छः साल बाद अठारह और छः चौबीस इन दोनों में रेशो चाहिए तो चौबीस से एक बार चौबीस से दो बार फाइनल आंसर आपको देना है दो अनुपात एक यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट नोट करें ये वाला देखें ए और बी की वर्तमान आयु का फिर दिया हुआ है। यह सात एक्स मान लें जब भी गुणनफल दिया जाए क्वेश्चन में तो हमेशा एक्स आपको जरूर लगाना है दोनों की आयु की गुना करेंगे तो यह आएगा नौ सत्ते तड़ेसठ एक्स स्क्वायर बराबर दो सौ बावन एक्स स्क्वायर का माना आएगा चार तो एक्स बराबर दो आ गया नौ दो ने अठारह और सात दो ने चौदह बोला जा रहा है ए की आयु बताएं तो एक की आयु आ जाएगी अट्ठाईस अठारह साल और बी की आयु आएगी चौदह साल चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ए और बी की वर्तमान आयु का रिश्वत फिर दिया हुआ है तीन अनुपात दो इसकी आयु मानी जाएगी तीन एक्स और इसकी आयु आएगी दो एक्स इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो छ एक्स स्क्वायर बराबर आएगा छियानवे तो एक्स आएगा सोलह तो एक्स बराबर आ जाएगा चार चार बारह और चार दुनी आठ तो आयु पूछा जाए आपको बताना है बारह और बी की आयु पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा आठ। सही है. है. तो जब भी गुणनफल आए, जरूर लगाना है। अगर आपने एक्स नहीं लगाया तो आप क्वेश्चन में गलती कर जाएंगे ये सवाल देखें पिता की आयु पुत्र की आयु के तीन गुने से तीन साल अधिक है तीन साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के डबल से दस साल अधिक है तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है बनाते हैं फादर और सन क्वेश्चन में लिखा हुआ है पिता की आयु पुत्र की आयु से तीन गुने से तीन साल अधिक है अगर मैंने बेटा एक साल का मान लिया तो पिता की आयु इसका तीन गुने से तीन साल अधिक है फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तीन साल बाद जब तीन साल बाद जाना है तो ये भी तीन साल बढ़ चुका है जोड़ दीजिए और ये भी तीन साल बढ़ चुके हैं तीन साल बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है पिता की आयु चाहिए तो पुत्र की आयु के डबल से दस साल अधिक है तीन साल बाद पिता की आयु चाहिए तीन, तीन, तीन साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के डबल से दस साल अधिक है सॉल्यूशन करें तीन एक्स प्लस छ दो की गुना करेंगे दो एक्स तीन दोनों छ और दस सोलह इस साइड आके माइनस कर दो तो ये आ जाएगा दो एक्स बराबर दस तो x बराबर आ जाएगा पांच तो पांच थी पंद्रह और तीन अठारह और ये आ जाएगा पांच बोला आपसे जा रहा है इस क्वेश्चन में पुत्र की वर्तमान आयु बताइए वापस दोबारा देखें पिता की आयु चाहिए तो पुत्र की आयु के तीन गुने से तीन साल अधिक है तीन साल बाद ये तीन जुड़ेगा ये भी तीन जुड़ेगा अगर पिता की आयु चाहिए तो पुत्र की आयु के दुगने से दस साल अधिक है तीन एक्स प्लस छो एक्स तीन दुनी छह और दस सोलह इधर आके माइनस कर दो एक्स और ये इधर आके माइनस हो जाएगा अच्छा एक्स था ये x बराबर आएगा दस जब इस सवाल में x बराबर दस है तो पुत्र के आयु आपने x मानी और x की वैल्यू आ चुकी है दस तो फाइनल आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आज की क्लास के अंदर भी हमने इस टाइप के तीन क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपको ये टाइप सीखना है चलो अगला क्वेश्चन देखें एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया मेरी तीन साल बाद की आयु का तीन गुना लो और तीन साल पहली आयु का तीन गुना लो अगर मैं व्यक्ति की आयु तो तीन, साल बाद की का तीन गुना तीन साल पहली आयु का तीन गुना और दोनों को घटाएंगे तो बोला जा रहा मेरी आयु निकल के आ जाएगी ये आपके सवाल है एक लड़का एक आदमी कहता है मेरी तीन साल बाद की आयु तीघना करें अगर मैं व्यक्ति की आयु एक्स मानो तीन साल बाद का तिगना तीन साल पहले का तिगना घटाने पे आपको मेरी आयु मिल जाएगी तो गुना करें तीन एक्स प्लस नौ माइनस तीन एक्स प्लस नौ बराबर एक्स इससे ये कट गया तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका अठारह फाइनल आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर डी तीन साल बाद की आयु का तीन गुना तीन साल पहली आयु का तीन गुना घटाने पर आपको मेरी आयु मिल जाएगी चलो एक क्वेश्चन और आ चुका है और ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का एक व्यक्ति ने बताया कि मेरी पांच साल बाद आयु का पांच गुना कर दो और पांच साल पहली आयु का पांच गुना कर दो यानी व्यक्ति कह रहा है मेरी पांच गुना घटाने पर मेरी आयु निकल के आ जाएगी पांच की गुना करेंगे तो पांच एक्स प्लस पच्चीस माइनस पांच एक्स प्लस पच्चीस हो जाएगा बराबर एक्स ये नंबर आपके कैंसिल हो गए तो x का मान आ जाएगा पचास तो फाइनल आंसर पचास जैसा कि मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ आज की क्लास के अंदर आपके लैंग्वेज वाले टाइप बचे हुए थे जो कि हमने कवर करे हैं तो पार्ट नंबर चार था ये ख़त्म हो चुका है अब आपको अगली क्लास मिलेगी अगर न्यू टॉपिक के साथ तो क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें और लगातार क्लास देखने के लिए दिशा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें विदा लेते हैं आप सभी से मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर थैंक यू